हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। मायसेल्फ फिट अभिलाषी शर्मा वंस अगेन हियर फॉर योर जानकारी हित। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज अबाउट द इकोनॉमिक्स। यस, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है, जिसको हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को प्रभावित कौन करते हैं भाई, निश्चित कौन करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद मी विद टुडेज टॉपिक। यस डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है डिमांड फंक्शन, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप उनको देख ही अपना रास्ता आसान बना सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया कि डिमांड क्या है। एक बार ब्रीफ में हम उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं। डिमांड क्या है, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड और कमोडिटी इज द अमाउंट और क्वांटिटी दैट विल बी परचेस्ड एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। नहीं समझ लगा, बताता हूँ। किसी भी वस्तु की डिमांड या मांग वो मात्रा है उस वस्तु की, जिस मात्रा को हम परचेज करेंगे एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर। समझ लगा, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसको हम निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर परचेज करेंगे, खरीदेंगे, उसको उस वस्तु की क्या कहते हैं, मांग। ये ध्यान रखना। जब हमने डिमांड का टॉपिक पहले डिस्कस किया तो उसमें बताया गया था कि डिमांड में बेसिकली दो तरह की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। व्यक्तिगत मांग है जो इंडिविजुअल अकेले व्यक्ति की, आपकी या मेरी, वो हमारी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत मांग है। और फिर मार्केट डिमांड की जब बात आती है, मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। किसी भी वस्तु की जब मार्केट की बात करते हैं, मार्केट डिमांड की, तो जो हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हम सब व्यक्तिगत लोगों की जो मांग है उसके जोड़ को, उसके एग्रीगेट को हम मार्केट डिमांड कहते हैं। चलो आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का विषय है डिमांड फंक्शन, और वी कैन से दैट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को प्रभावित करने वाले जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज डिमांड फंक्शन। इसको डिटरमिनेंट्स की जगह डिमांड फंक्शन कहते क्यों है, डिमांड फंक्शन होता क्या है, इसको जानते हैं। डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फैक्टर्स हु इफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। समझ लगा, डिमांड फंक्शन किसी वस्तु की मांग और वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले जो डिटरमिनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनके रिलेशन को दिखाते हैं, दिखाने वाला जो फलन है, दैट इज डिमांड फंक्शन। उसको हम डिमांड फंक्शन और मांग फलन कहते हैं। जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, जनरली जहां कंटेंट बुक्स में देखते हैं वहां लिखा होता है dx is equal to f into pr, py, c, pl, lot of other alphabets are there। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, आप पहले इधर बात ध्यान से मेरी सुने। एक मैं बता दिया, जैसे कि मैंने डिमांड बताया कि डिमांड दो तरह की है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। तो डिमांड फंक्शन को हम दोनों पहलुओं से डिस्कस करेंगे। डिमांड फंक्शन का जो पहला पहलू है वो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स विच इफेक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले जो डिटरमिनेंट्स है वो कौन कौन से हैं। जस्ट सी हियर, आई हैव मेंशन्ड हियर dx इज इक्वल टू f इनटू px। जस्ट सी pr, y, cp, e, d, w, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ने का ढंग समझे पहले। डिमांड ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ pr, y, cp एंड मेनी अदर्स। मतलब जो x एक वस्तु है उसकी जो डिमांड है उसको डिटरमिन करने वाले ये सारे फैक्टर हैं जो हमने यहां ब्रैकेट में शो किए हैं। इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। समझ लगा, एक्स का मतलब आइसक्रीम की डिमांड भी हो सकती है भी, कार की डिमांड हो सकती है, मोबाइल की डिमांड हो सकती है। इन सब की डिमांड को कौन कौन प्रभावित करता है, वो सारे के सारे जो हम सब लोग परचेज करते हैं एज ए इंडिविजुअल, उसको प्रभावित करने वाले, उसको इफेक्ट करने वाले फंक्शंस या फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स है दैट इज पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आइसक्रीम, प्राइस ऑफ कार। किसी भी वस्तु की डिमांड को जो डिटरमिन करने वाला फर्स्ट फंक्शन है या फैक्टर है, जो डिटरमिनेंट्स है, वो है उस वस्तु का प्राइस। हम सब जानते हैं
whenever there is an increase in price, the demand is going to decrease, and whenever there is a decrease in price, demand is going to increase. There is an inverse relationship between demand and price. हम जानते हैं दोनों में उल्टा रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं जो वस्तु का, किसी भी वस्तु का जो प्राइस है उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है. सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, संबंधित वस्तुओं की कीमतें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी होते हैं. किसी वस्तु की मांग को सिर्फ उस वस्तु का प्राइस ही प्रभावित नहीं करता, रिलेटेड वस्तुओं की प्राइस भी प्रभावित करती है. रिलेटेड वस्तुओं का मतलब इकोनॉमिक्स में हम रिलेटेड कमोडिटीज की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, वन इज सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज. सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज को कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिनको एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सके, प्रतिस्थापित किया जा सके, उसको हटाया दूसरी को यूज कर लिया, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज. फॉर एग्जांपल मार्केट में गर्मी का मौसम, आइसक्रीम है बहुत तरह की, वेरका वालों ने रेट बढ़ा दिया, तो ध्यान से देखो, रेट वेरका ने बढ़ाया, डिमांड बढ़ जाएगी अमूल की. अमूल ने रेट नहीं बढ़ाया था, समझ लगा, ये प्रतिस्थापन इफेक्ट है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑफ प्राइस. एक अगर अमूल वालों ने प्राइस बढ़ा दिया तो वेरका की डिमांड बढ़ जाएगी, इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि हम एक को दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मेनी सॉफ्ट ड्रिंक, कोक, पेप्सी, मोबाइल्स की बहुत सी एग्जांपल्स हैं. तो ऐसे जो सब इफेक्ट है, प्रभाव है, ये वस्तु की डिमांड को प्रभावित करते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं. सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है भाई, ध्यान से, पूरक वस्तुएं जो ज्वाइंट डिमांड रखती हैं. जब एक की डिमांड होती है तो दूसरे की भी होती है, उसके हम कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज कहते हैं. मतलब ऐसी वस्तुएं जब जिनकी मांग की जाएगी तो कंबाइंड रूप में की जाएगी, ज्वाइंट रूप में, अदरवाइज तो नहीं होती. फॉर एग्जांपल द डिमांड ऑफ मोबाइल एंड द डेटा, डिमांड ऑफ मोबाइल एंड डेटा, डिमांड ऑफ कार एंड पेट्रोल, ये दोनों की दोनों जो मैंने एग्जांपल बताया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर कार की डिमांड बढ़ती है तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर मोबाइल की डिमांड बढ़ रही है तो डाटा की डिमांड भी बढ़ेगी, इंटरनेट की, समझ लगा मेरी बात. तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ध्यान से सोचो, मान लो कार का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और कार की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, जबकि पेट्रोल का उसमें कोई दोष नहीं था भाई, डाटा वही रहा, मोबाइल बहुत ज्यादा महंगे हो गए, 13,000 वाला 26,000 का हो गया, तो मोबाइल्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, तो डाटा की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम. इसको कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज का इफेक्ट डिमांड को इफेक्ट करता है, समझ लगी मेरी बात. नेक्स्ट वन यू हैव सीन हियर, दैट इज वाई. वाई होता है कंज्यूमर की इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो उपभोक्ता की आमदन है वो भी डिमांड को प्रभावित करने वाला इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है. अगर उपभोक्ता की आमदन ज्यादा है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होगी. अगर आमदन ही कम नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, तो डिमांड कहां से करेगा. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. आई थिंक इट्स क्लियर. यस, नेक्स्ट वन इज सीपी, कंज्यूमर प्रेफरेंस. बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है भाई, उपभोक्ता की जो टेस्ट है, रुचि है, उसका फैशन है, उसका टेस्ट है, उसका स्वाद क्या है, मुंह का, उसके मन की सोच क्या है, उसके तन की सोच क्या है, वो कैसे सोचता है, फैशन की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं. ये जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं, उपभोक्ता की इच्छाएं, ये बहुत मैटर करती हैं. इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. कैसे, अगर उपभोक्ता का जिन वस्तुओं में टेस्ट है, फैशन है, वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जहां नहीं है तो उसकी डिमांड कम होगी. अगर उपभोक्ता की इच्छाएं हैं, उस वस्तु के खरीदने के लिए प्रबल इच्छाएं हैं, तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर नहीं है तो डिमांड कम होगी. सो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट. नेक्स्ट वन इज द ई, एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन होता है उम्मीद, बट किस चीज की उम्मीद, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भविष्य में क्या उम्मीद है. अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि आज कीमत कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में और ज्यादा कम होगी, एक तो सीधा संबंध है भी, उसको पता है कि वस्तु की कीमत कम है तो डिमांड ज्यादा कर लेगा. पर आज वस्तु की कीमत कम है, इन फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी मोर डिक्रीज, तो वो कम होने के बावजूद भी उसकी डिमांड नहीं करेगा, समझ लगी मेरी बात. और मान लो उपभोक्ता की वस्तु की कीमत है जो बढ़ गई, ज्यादा होगी, तो उसको डिमांड कम कर देनी चाहिए थी, पर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेंगी, तो कीमत ज्यादा होने पर भी कई बार वस्तुओं की डिमांड ज्यादा करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द
future expectation, which is very important determinant. नेक्स्ट वन इज डीई, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावे का प्रभाव. ये तो सबसे ज्यादा होता है अभी हम लोगों पे. विज्ञापन चलते हैं, प्रचार सामग्री चलती है, मीडिया, अखबार, टीवी, वहां पर जो दिखाया जाता है ये पीना है, वो नहीं पीना है, वो लेना है, उसका असर हम पर ऐसे होता है कि धोनी को देखकर बाइक ले लेते हैं अभी, कोहली को देखकर हम सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं. इसे डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं. अगर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होती है. अगर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं है, प्रचार नहीं है, प्रसार नहीं है, विज्ञापन नहीं है, तो डिमांड भी कम होगी. समझ लगा, इसका सीधा संबंध है वस्तु की डिमांड पर. नेक्स्ट वन जस्ट सी हियर इज डब्ल्यू. डब्ल्यू इज द वेल्थ, संपत्ति. यस, अगर जेबी खाली है तो क्या खरीदेंगे भी. धन संपत्ति ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो नेचुरली डिमांड भी ज्यादा होगी. अगर संपत्ति कम है, लोगों के पास आमदनी ही नहीं है, आय नहीं है उनके पास, तो डिमांड भी कम होगी. ये भी सीधा वस्तु की डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, द अमाउंट ऑफ वेल्थ. समझ लगी मेरी बात? यस. ये जो बातें हमने की, इसके अलावा और भी बहुत से हो सकते हैं. एक बात ध्यान रखो, ये सारे जहां व्यक्तिगत डिमांड को प्रभावित करने वाले डिटर्मिनेंट्स हैं. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, जिसको मैंने बात की, मार्केट डिमांड. एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिविजुअल की डिमांड से बनती है बाजार मांग. जो मार्केट डिमांड है वो डायरेक्टली एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है. तो नेचुरली जो फैक्टर्स, जो फंक्शन इंडिविजुअल डिमांड से रिलेटेड हैं, वही तो मार्केट के हैं. यस, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम हैं. कुछ हैं दो चार जिनकी मैं बात यहां पर कर रहा हूं, उनमें से हम कुछ देखते हैं. बाकी सारे जो मैंने बात की, वही पी आर, पी एक्स, वाई, जी ई, वो सबके सब सेम है. वो तो नेचुरली भी मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करेंगे. दो तीन जो एक्स्ट्रा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ. सबसे पहले पीएल. पीएल क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. अगर किसी देश का पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी. इसकी परफेक्ट एग्जांपल इंडिया एंड चाइना है. बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, फॉरेन की कंपनी जहां पर जो चाहती है वो बेच देती है, क्योंकि लोगों की डिमांड ही बहुत ज्यादा है. हर वस्तु यहां पर बिकी जाती है, क्योंकि जनसंख्या का विस्फोट हुआ हुआ है यहां पर, बहुत ढेर है लोगों का, तो डिमांड भी ज्यादा है. सो पॉपुलेशन ऑफ, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स टू इफेक्ट द डिमांड. एंड द नेक्स्ट वन इज जस्ट सी हियर वाई डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ध्यान से. टेक्निकल ये आमदन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी देश में, लोगों के पास जो आय होती है, अगर वो कुछ लोगों के हाथों में सीमित हो जाए, सिर्फ अमीर हैं उनके पास, मान लो 80% क्या है वेल्थ है, सारा पैसा उनके पास है, तो उन लोगों की डिमांड तो होगी, पर वो कम लोगों की डिमांड होगी और मार्केट में टोटल डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ महंगी वस्तुओं की मांग करेंगे, बाकी लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं थी, तो उनकी डिमांड तो बहुत कम हो जाएगी उन कंज्यूमर्स की, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए सोर्सेस तो चाहिए वो नहीं है. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन के हाथों में पैसा है, तो डिमांड टोटल क्या होगी, ज्यादा होगी. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टीपी, टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी है वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है. गवर्नमेंट जिन पे टैक्स ज्यादा लगा देती है उनकी डिमांड कम, जिन पे टैक्स ज्यादा लगा देती है उनकी कम. समझ लगा? और जिन पे कम कर देती है उनकी डिमांड ज्यादा, क्योंकि प्राइस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी वस्तु की डिमांड को बढ़ाना है, तो वो अगर उसके पे टैक्स कम कर दो तो डिमांड बढ़ जाएगी. डिमांड को कम करना है तो टैक्स बढ़ा दो तो डिमांड कम हो जाएगी. समझ लगी मेरी बात? ये सारे डिटरमिनेंट जो है, इसके अलावा भी बहुत से हैं जो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं. समझ लगा? दीज आर द डिटरमिनेंट्स विच इफेक्ट्स डिमांड, आइदर इट्स इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड. सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज, वेरी सिंपल. जो हिस्सा क्लियर नहीं है उस हिस्से में जाओ, उसको दोबारा देखो. अगर कोई इशू है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना इशू वहां पर लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर इवन देयर. एक बात और, बहुत सी वीडियोज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी है, कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो जानकारी चैनल पर है, आप उनको देखें, बहुत सी आएंगी. और आप उन वीडियोस को देखें, आने वाली को देखें और इंतजार कीजिए. तब तक थैंक यू वेरी मच.